व्यापारी एवं भूमि कब्जाई महिलाओं के विवाद में उलझी शासकीय औद्योगिक भूमि, असली हकदार कौन? रामपुरा नीमच मध्य प्रदेश। विगत कुछ महीनों से जिला नीमच अंतर्गत रामपुरा क्षेत्र के ग्राम खेतपाल या मुख्य मार्ग स्थित पर औद्योगिक भूमि का मामला गंभीर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्राप्त जानकारी अनुसार उक्त शासकीय राजस्व भूमि को शासन द्वारा सन 1990 में औद्योगिक विभाग को आवंटित करने की गई थी, जहां उद्योग स्थापित करने हेतु निजी व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के लिए पानी की टंकी का भी निर्माण किया गया था, किंतु तब से बीते वर्षों में उद्योग स्थापित करने हेतु भूमि आवंटन के लिए औद्योगिक विभाग को आवेदन प्राप्त नहीं होने तथा रुचि नहीं दिखाने के चलते विगत कुछ वर्षों से कुछ किसान परिवारों द्वारा जानकारी के अभाव में उक्त भूमि पर कब्जा कर खेती करते आ रहे हैं। वहीं गत वर्षों में नगर के ही कुछ व्यापारी वर्ग द्वारा औद्योग स्थापित करने के उद्देश्य से औद्योगिक विभाग में आवेदन कर विवादित भूमि को आवंटन कराया गया एवं किसानों द्वारा किए कब्जे को हटाने संबंधित में जिला प्रशासन को आवेदन प्रेषित किया गया। जब मौके पर विभागीय अधिकारियों सहित प्रशासनिक अमला एवं व्यापारी गण कब्जा हटाने पहुंचे, तब किसान परिवारों की महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया एवं स्थित पथराव तक आ पहुंची। वहीं उग्र महिलाओं द्वारा ग्राम खेतपालिया के पूर्व सरपंच, प्रतिनिधि सहित व्यापारियों एवं कुछ विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की मिलीभगत के गंभीर आरोपी भी लगाए गए। उक्त मामले में इनका कहना, हमारे बच्चे बच्ची को तुम ले जाओ, तुम खवाना, तुम पालना, तुम्हारे काम करेंगे, इससे भी कम पड़ रहा होगा तुम्हारे परिवार में किसी का दुआ हो गया तो इसके ऐसा कुछ तो स्थायी उसको हटाने के लिए तहसीलदार साहब ने, टीआई साहब ने, सभी ने आज तो ये किया गया कि आज दो बार पहले भी हटाया गया था, तो आज ये इनको भी खाई खुदवा लें, फेंसिंग कर लें और अपना जो भी यूनिट है उसका काम चालू करें, बस यही है। और आगे कोई दिक्कत नहीं हो उस हिसाब से आज सभी प्रशासन की तरफ से, जिला प्रशासन की तरफ से सब हम कर रहे हैं। सर, उद्योग विभाग की जमीन पर जिस तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा, तो उद्योग विभाग इसके लिए पहले से ही क्यों ना कर रहे हैं? एक्चुअल में क्या है, अभी यहाँ कोई डिमांड थी नहीं और ये सन 75 से उद्योग विभाग को आवंटित है। अभी कुछ लोग जो रामपुरा के लोकल लोग जो स्थानीय वो डिमांड कर रहे हैं, तो अब जैसे ही डिमांड होती है तो उस हिसाब से जो है आगे यहाँ का बहुत पहले डेवलपमेंट वर्क भी हुआ था, कुछ सड़क और पानी की टंकी जैसा कि आपको दिख रही है। तो अब जब डिमांड यहाँ कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जब आगे आएंगे तो इसको हम दे देंगे। 21 मार्च तक ओपन था, ये अभी तो बंद हो गया। मैं आकाश चांदना हूँ, मेरे पिताजी का नाम केलाई जी चांदना है। मेरे द्वारा अगस्त 2023 में भूमि आवंटन किया करवाया गया था एमएसएमई विभाग के द्वारा डीआईसी नीमच में, जिसमें हमें अभी तक कब्जा दिया गया नहीं गया था। तो जनवरी 2024 में हमें इसकी कार्रवाई चालू हुई, मार्च जिसके तहत हमें 3 बार कब्जा देने की कोशिश की गई,
लास्ट कब्जा हमें मार्च 24 में देने की कोशिश की गई थी, पर भोई समाज मानी भाई और तेजराम भोई के परिवार के द्वारा हमें प्रताड़ित किया गया और उसमें हमारे साथ जबरदस्ती की गई। उस दिन हमारे पास पुलिस बल था लेकिन महिला पुलिस बल ना होने के कारण हम विफल रहे, जिसके बाद हमने माननीय दिनेश जी जैन कलेक्टर साहब को अनुरोध किया कि हमें ये व्यवस्था की ज़रूरत है कि हमें पुलिस प्रोटेक्शन प्लस बाकी व्यवस्था हमें कब्जा प्रॉपर तरीके से जो कि वर्किंग कंडीशन के लिए अवेलेबल हो पाए वैसी व्यवस्था हमें जमा की दी जाए, जिसमें हमें अमर सिंह जी मोरे महाप्रबंधक जिला जो DIC के हैं उन्होंने भी सपोर्ट किया, SDM साहब, तहसीलदार साहब निगम जी ने और बाकी सभी पुलिस प्रशासन द्वारा हमें समर्थन किया गया और अभी ये कार्रवाई की जा रही है। ये हमारे द्वारा जब भी कार्रवाई की गई हम विफल इसलिए रहे क्योंकि एक दिन हम कार्रवाई करते हैं और दूसरे दिन ये आके महिलाओं द्वारा ये विफलता कार्य करते हैं भोई समाज के महिलाओं के द्वारा, जिसमें मानी भाई और तेजराम भाई के परिवार जिसमें मुख्य रूप से इसमें शामिल हैं। और मैं अब उनसे अनुरोध करता हूं कि अब उनके जो भी उनकी मन की जो भी बातें हैं वो आप प्लीज़ प्रशासन से जाके करें, वो हम उसके लिए जवाबदार नहीं है क्योंकि हमने जो ज़मीन ली है वो प्रशासन के द्वारा DIC नीमच के द्वारा दी गई है और हमें इसमें विभाग के द्वारा अब सारा कब्जा दिया गया है। तो आपसे अनुरोध है कि हमसे अब ये बाकी का कार्रवाई ना करें हैं और इसमें हमारा जो है साथ दें और आपको जो भी कार्रवाई है कलेक्टर साहब नीमच द्वारा जो की गई है